यूपी के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव खालौर में स्थित रामेश्वरी देवी नेत्रपाल सिंह स्टेडियम में प्रदेश स्तर की रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने फीता काटकर और रेस को हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने कहा कि इस स्टेडियम से क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनकी छुपी हुई प्रतिभा निकलकर बाहर आएगी। इससे ग्रामीण आंचल से युवा अपने गांव जिला में प्रदेश का नाम रोशन कर देश में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मनोज प्रधान बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने स्टेडियम की स्थापना कर क्षेत्र की जनता को सौगात दी है। ये शुरुआत हुई है हमारे क्षेत्र में। अब तक कोई पार्टी न कोई दल इस काम को नहीं कर पाया। अब जो गरीब आंचल के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, उनको मौका मिलेगा, यहाँ से अपने घर से खाना खा के आएंगे, यहाँ पर शाम घर जाना खाना खाएंगे। ये बड़ी हमारे यहाँ क्रिकेट है, कबड्डी है, दौड़ है, ये सारे प्रतियोगिता अच्छे अच्छे प्रतियोगिता होगी और हमारे क्षेत्र में लोगों को बहुत बड़ा बल मिलेगा। और ये बात है कि देखिए बच्चों को सीखने को मिलेगा और ये प्रदेश हमारे बच्चे भी आगे तक प्रदेश और देश में नाम रोशन करेंगे। विधायक जी, आपका संदेश देना चाहती हैं। भैया, पहले तो मैं दिवाली की शुभकामना देता हूँ आपको और आए हुए समस्त खेल प्रेमियों को, खिलाड़ियों को। हमारे यहाँ जो आज ये भव्य कार्यक्रम स्टेडियम में रखा गया, इसके संस्थापक जो मनोज प्रधान जी हैं, उनका पूरा परिवार, बहुत अच्छा काम उन्होंने स्टेडियम बना दिया। इस स्टेडियम के माध्यम से हमारे यहाँ के नौजवानों को, बालकों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और स्वस्थ शरीर के साथ साथ उन्हें रोजगार की भी संभावना। के द्वारा रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, खिलाड़ियों का संदेश देना चाहती हैं आप? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस क्षेत्र के प्रधान श्री मनोज जी को, जिन्होंने ग्रामीण में इस स्टेडियम को स्थापित करके यहाँ के युवाओं को, प्रतिभाओं को बाहर से आगे भेजने के लिए, उनके हुनर को उभारने के लिए जो इन्होंने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया, उन्हें बधाई देता हूँ। और इसके माध्यम से खेलो भारत को आगे बढ़ाने का कार्य गाँव के युवा नौजवान लड़कियाँ आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रतिभा पूरे देश और दुनिया में निखार के जो आगे बढ़ेंगे। इसके लिए बधाई माननीय मनोज प्रधान जी को और इस क्षेत्र के युवाओं को। बहराइच बौंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत अम्बा गावी व लाइफ बॉय हिंदुस्तान यूनिलीवर संस्था की ओर से मिशन सफल की शुरुआत का आयोजन किया गया, जिसमें सफलता कोच एंकर महेंद्र कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि समाज को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिए संस्था पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसके लिए संस्था पदाधिकारी घर घर जाकर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र धनु तालाब स्थित ग्राउंड पर सजी आतिशबाजी की दुकानों का हर दिन निरीक्षण हो रहा है। निरीक्षण में उप जिलाधिकारी अशोक कुमार पुलिस बल के साथ आतिशबाजी की दुकानों का आज उन्होंने पुनः निरीक्षण किया और निरीक्षण में ये सुनिश्चित किया गया कि कहीं कोई सुरक्षा में चूक न रह जाए, जिसकी वजह से पिछले वर्ष हुई घटना की पुनरावृत्ति ना हो और पूरे जिले में सुरक्षा सबसे अच्छी देखने को मिल रही है। अब तक सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ सर क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर आतिशबाजी की दुकानें लगी हुई हैं, 7 दुकानों का परमिशन मिला था, 7 दुकानें लगी हैं और जो हमारा मानक था कि 50 मीटर की दूरी चारों तरफ रहना चाहिए, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान या कोई धार्मिक स्थल या कोई आबादी है उसके भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं और प्रत्येक दुकान के बीच में 3 मीटर की दूरी है और यथासंभव ज्वलनशील पदार्थ जो है का प्रयोग नहीं किया गया है। आप टिन देख रहे हैं, टिन सेट का प्रयोग किया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर हर एक दुकान पे है, पानी का ड्रम भरा हुआ है, बालू की बोरी रखी है, बड़ी कटिंग करवा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था के जितने भी इंतजाम हो सकते वो सब किए गए हैं। पुलिस बल लगाया गया है, 2-2 डिब्यूटी ले गई 8-8 घंटे के लिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है।
मैंने सर और ज़िले में और भी जगहों पर देखा है जिस तरह से मानक के अनुसार यहाँ दुकानें लगी हैं इस तरह से और ज़िलों में नहीं है, ये क्या विशेषता है यहाँ की? जो यहाँ पर पिछले साल घटना हो गई थी, दुकानें जल गई थी, तो इसलिए विशेष सावधानी बरती जा रही है कि हम लोग अपना जितना भी सुरक्षा व्यवस्था के मानक हैं उसके हिसाब से चलें, और इसीलिए हम लोग दिन में 3 बार इसको चेक भी करते हैं, फोर्स भी लगा दी गई है, पूरी व्यवस्थाएँ भी हैं। और चूँकि यही है कि जहाँ पर घटना घटित हो जाती है वहाँ लोग ज़्यादा सचेत होते हैं, हम तो यही कहेंगे, बल्कि मानक का पालन सभी जगह हो रहा है। यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि आप लोगों का रोज़ाना ही आना हो रहा है? हाँ, रोज़ाना इसीलिए आ रहे हैं कि कहीं कोई समस्या ना हो, और हमारे जो ड्यूटी लगाई गई हैं वो भी सब सही तरीके से काम करें, और जो हमारे दुकानदार हैं वो मानक के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं, इसलिए दिन में कम से कम 3 बार हम लोग चेक करते हैं। शुरू में पाया था यहाँ के लोग इस पे यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि यहाँ दुकानें ना लगें, और ऑब्जेक्शन जिन लोगों ने उठाया था उन लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन वापस ले लिया था, ऑब्जेक्शन में कोई सही आधार नहीं, और ऑब्जेक्शन का कोई आधार भी नहीं था। 50 मीटर दूरी जो हमारी स्टैंडर्ड है वो हमारी मेंटेन है, तो हम लोगों ने जाँच करके देखा तो ऑब्जेक्शन का निराधार था। देवरिया जनपद के रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम सतगढ़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही घर के 3 सदस्य करंट की चपेट में आने से काल की गाल में समा गए। दीपावली के अवसर पर सास बहू और बेटी मिलकर सफाई कर रहे थे कि तभी एक महिला करंट की चपेट में आ गई। इस दौरान एक के बाद एक घर के अन्य सदस्य छुड़ाने की जद में आए और वो भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। अभी थोड़ी देर पहले जो है 3 लेडीज थी, रिंजू, ध्रुपति और अंजना, रुद्रपुर से आई थी, जिनका हिस्ट्री था इलेक्ट्रिक शॉक, देखा गया तो इलेक्ट्रिक शॉक ही था, उससे मृत्यु हुई थी, मृतक अवस्था में आई थी। उनके मर्चरी बंद करा दिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शकील अहमद। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 2 दिन पहले ही चोरों ने एक मंदिर और एक स्कूल को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसपे पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वहीं चोरों ने बीती रात एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल के शोरूम को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर लाखों रुपए का माल समेट कर चोरी कर ले गए, जिसपे पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। चोरों ने बीती रात एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल के शोरूम को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का माल समेट कर फरार हो गए। वहीं चोरी की जानकारी सुबह शोरूम पर कर्मचारियों के पहुंचने पर हुई। शोरूम मालिक ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के साथ ही शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक किया तो उसमें चोरी की तस्वीरें कैद हो गई हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। हीरो का शोरूम है, कहाँ पर? जलपतपुर। क्या मामला हुआ रात? कल रात करीब 1:45 बजे करीब यहाँ पे 2 चोर घुस गए, पीछे से कुम्भ लगाया जिस दीवार में, और ऊपर से शटर के कुंडे तोड़ के अंदर घुस गया, केबिन वगैरह तोड़ के, और करीब 2.5-3 लाख रुपए कैश छोड़ गए थे वो लेके। नहीं, गाड़ी कोई डैमेज नहीं हुई है, सिर्फ कैश ना, पार्ट का कुछ अभी कैलकुलेशन लगा पाए हैं, बहुत जल्दी रहेगा। अच्छा, आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है? लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, उसमें 2 चोर कैद हो चुके हैं। कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? 2 लोग दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से। अच्छा, पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई थी, पुलिस ने आके अपना प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो कर लिया, और बाकी अभी दरोगा जी आने वाले हैं, बाकी और कार्रवाई करेंगे इस संबंध में।